पार्टी मान लीजिए अब उनको वो आज से आम आदमी पार्टी का सपना नहीं है, वो दिल्ली में दूसरी बार सरकार में है। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक साल बाद चुनाव है तो उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू कर दिए और उनको पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए हैं और प्रभारी हैं वो अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो वो तो राजनीति कर रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ वो राजनीति कर रहे हैं। अब उनको किसी तरह से कुछ आजकल वो है ना कीड़े राजनीति वाले होते हैं। अब चूंकि चुनाव तो लड़े नहीं, राज्यसभा के मेंबर हो गए। अब वो आप क्या मानते हैं? नहीं कुछ नहीं, राजनीति के कीड़े अधिक नहीं उनको देखिए वो राजनीति कर रहे हैं और क्योंकि उनका कुछ नहीं है, ये केवल लाइमलाइट में पॉलिटिकल उसमें मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। मैं उनकी बात से नहीं हूँ, मैं अपने दल के आप समय समय पर देखते रहिए कितना संतुलित और कितनी सीख और किस तरह से माननीय बहन जी अपनी बात को रखती हैं। हमारा उद्देश्य थोड़े है कि नहीं हम जो है मतलब उसे हम क्या हासिल कर लेंगे, मतलब जो भी उनके ऊपर FIR हो रहे हैं उसको आप सही नहीं। अब वो FIR तो सरकार का यह विवेचना करना है ना, पिछले कुछ उन चीजों में या तो उनके साथ में रहा, अब उसको मैं जानता नहीं कि वो क्या क्या किए भाई। ठीक है, जो मान लीजिए आज हम लोग कोविड के जो गाइडलाइन है तो निश्चित रूप से हम सबको मैंने उसका अनुपालन करना चाहिए और अनुपालन करने में अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर सरकार हमारे पर FIR कर ले तो मुझे उसको सहज स्वीकार भी करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है।